हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज होगा केमिकल रिएक्शन, किसका? सल्फ्यूरिक एसिड और शुगर का। शुगर के ऊपर डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और शुगर का होने लगेगा डिहाइड्रेशन, उससे हाइड्रोजन निकल जाएगा और सिर्फ कार्बन बचेगा। ठीक है, ये रिएक्शन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक वार्निंग, कोई भी इसे घर पर ट्राई मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एसिड है। सिर्फ कमेंट में बताओ जो जो रिएक्शन चाहते हो, जो जो पढ़ते हो, वो सब मैं कर दूंगा। वीडियोज़ देख लेना, उनकी सीखो समझो, पर करो मत, ट्राई मत करो, बस पढ़ो, अपना ज्ञान बढ़ाओ। ठीक है, तो ये चीनी है, ये चीनी पिसी हुई है जिससे रिएक्शन अच्छी तरीके से हो जाए। चीनी डालते हैं इसमें थोड़ी सी। पांच चम्मच चीनी, चलो छह कर देते हैं ऐसे, और अच्छा आ जाएगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डलेगा, कितना है? 98% प्योर है, पर ये ऐसे नहीं डलेगा, इसके पहले लगेंगे ग्लव्स। अगर इसे ऐसे खोल दे तो हाथ पे कर जाएगा रिएक्शन, तो पहले मैं ग्लव्स पहन लूँ। तो ग्लव्स आ गए, अब इसमें डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड, कॉकटेल जैसा लग रहा है, मॉकटेल। ये मिक्स हो गया, अब देखते हैं रिएक्शन। बहुत ही ज़्यादा गर्म है क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, बहुत हीट निकल रही है इसमें से। थोड़ा ठंडे होने का वेट करते हैं। तो अब हो गया होगा थोड़ा बहुत ठंडा, अब देखते हैं निकलेगा। गर्म है वैसे अभी भी काफ़ी। स्मेल बहुत बुरी है इसकी, स्मेल है ये, सल्फर डाइऑक्साइड है। और ये निकला इसमें से, ग्लास देखो कैसे हो गया, बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म अभी भी। तो ये निकला है, ये क्या है? ये पूरा का पूरा कार्बन है, प्योर कार्बन है ये, क्योंकि जो शुगर था, शुगर के मॉलिक्यूल्स को इसने डिहाइड्रेट कर दिया, शुगर में से हाइड्रोजन निकल गई। अब शुगर जब डिहाइड्रेट हो चुकी, सल्फर H2SO4 था उसमें, सल्फर था, वो सल्फर निकल गया सल्फर डाइऑक्साइड बन के। अब ये बच रहा है कार्बन, कार्बन ब्लैक होता है तो ये कार्बन है, ये रहा। तो ये कार्बन, काला नाग बिल्कुल है ना, नाग जैसा। और कुछ अगर समझ में आ रहा है आपको, कुछ और ध्यान आ रहा हो तो कमेंट में बता देना किसके जैसा लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसको तोड़ के कैसा है। फिर अब मैं इसको तोड़ता हूँ, ये मेरा, कार्बन ही कार्बन गिर रहा तो ये तो था सारा कार्बन जो हमने निकाल दिया। एक्सपेरिमेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, इन्फॉर्मेशन और उसे शेयर करनी है अपने दोस्तों को बताना है।
नॉलेज देनी है तो वीडियो को शेयर कर देना। आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो, थोड़े रिएक्शन चाहते हो, तो वो सब कमेंट में बताना और चैनल को करना सब्सक्राइब, जिससे कोई भी अपडेट ना छूटे, देखते रहें वीडियो, ठीक है। और अब बाय 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 बाय।